मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज देखिए टीजीटी की परीक्षा से संबंधित आज जो सुखनासोपदेश आपका छठवां गद्य खंड है इसमें मित्रों ध्यान दीजिए आप, इसमें लिखा गया है गंधर्व नगर लेखे उपस्यत एव नश्यति। कहा गया कि गंधर्व नगर लेखा के समान देखते देखते यह नष्ट हो जाता। अब लक्ष्मी का वर्णन करते हुए यहाँ पर सुखनास जी बता रहे हैं चंद्रापीठ को गंधर्व नगर लेखे उपस्यत एव नश्यति अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्तना परिवर्त वर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव क्वचिदपि निर्भरम आवधनाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेशु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति पारुष्यम इव उपशिक्षितम असिधारासु निवसति विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिताः नारायण मूर्ति। अब यहां पर लक्ष्मी के विशेषता का वर्णन करते हुए सुखनास जी बता रहे हैं कि हे बेटा चंद्रापीड गंधर्व नगर लेखा एव गंधर्व नगर की लेखा की भांति गंधर्व नगर की रेखा के समान पश्यत एव नश्यति यह जो है लक्ष्मी देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी अति चंचल होती है तो लक्ष्मी इतनी चंचल है कि गंधर्व नगर की जैसे रेखा होती है देखने में तो दिखाई देती है और देखते देखते ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही लक्ष्मी का ऐश्वर्य इतना खतरनाक होता है कि यह पश्यत एव नश्यति देखते देखते यह जो है नष्ट हो जाया करती है। अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्ता वर्त आज भी मानो अद्यापि आरूढ़ माने बैठी हुई चढ़ी हुई आज भी मानो मंदरांचल के पर्वत के घूमने पर जैसे जो है जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत को क्या बनाया गया मथानी बनाया गया तो जैसे जो है समुद्र में मंथन के समय मंदरांचल पर्वत जैसे मानो आज भी घूम रहा हो मानो मंदरांचल पर्वत के घूमने से उत्पन्न जो आवर्तावर्त भंवर उत्पन्न जो भंवर है भंवर के साथ घूमने से भंवर आवर्तावर्त भंवर के साथ आवर्त घूमने से भ्रांति जनित संस्कार एव संस्कार बस मानो यह आज भी भ्रांति जनित संस्कार एव संस्कार बस मानो आज भी वह घूमा किया करती है। कहा हे पुत्र चंद्रापीड गंधर्व नगर लेखा की भांति यह देखते देखते नष्ट हो जाती है और आज भी मानो मंदरांचल पर्वत पर चढ़ी हुई आरूढ़ उसके जो है प्रभाव से उत्पन्न जो भंवर है भंवर के घूमने के प्रभाव के कारण संस्कार वश मानो आज भी यह घूमा किया करती है विचरण किया करती है। और क्या किया करती है मित्रों कामालिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव क्वचिदपि निर्भरम आवधनाति। आज भी मानो यह लक्ष्मी हे पुत्र चंद्रापीड आज भी मानो यह लक्ष्मी कमलिनी संचरण व्यतिकर कमल वन में विचरण करने पर व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव व्यतिकर नल नाल कंटक छतेव कहा कमल वन में विचरण करते समय व्यतिकर लग्न नाल कमल नाल के कांटे के चुभ जाने के कारण आज भी क्वचिदपि निर्भरम आवधनाति पदम निर्भरता के साथ पैर को निर्भरम आवधनाति पदम निश्चित रूप से निर्भर होकर के पदम माने पैर को ना नहीं रख पाती है। कमलिनी वन में कमल रूपी वन में विचरण करने पर
यह कंटक छतेव, कांटे इनके पैरों में चुभ न जाए, इस डर से आज भी मानो यह लक्ष्मी निर्भर हो करके पैर जम करके पैर नहीं रखती है। अर्थात किसी के पास स्थिर होकर के लक्ष्मी नहीं रहती है। यह जो है परिचय की रक्षा नहीं करती है कि फलाने राजा हैं महाराजा धीराज है तो उनके पास लक्ष्मी रहेगी, ऐसा नहीं है मित्रों। अर्थात कुल मिलाकर के मानो कमल वन में विचरण करते समय कमल नाल के कांटों के चुभ जाने के कारण कहीं भी यह क्वचित अपि कहीं भी निर्भरम आवहनाति पदम, निर्भर होकर के मतलब बिना किसी जो है शंका संदेह के पैर नहीं रखती है। और अति प्रयत्नम विध्रतापि, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक बांधी जाती हुई, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक पालन की जाते हुए भी राजाओं के द्वारा इनका जो है परमेश्वर गृहेश, परमेश्वर माने राजा महाराजाओं के घरों में, गृहेश सप्तमी विभक्ति है मित्रों, सप्तमी बहुवचन, तो राजा महाराजाओं के घरों में विविध गंध गज गंड, विविध गंध गज गंड, अनेक प्रकार के गज गंधों गंध गजों के गंड स्थल से मद्य पीने से मत्त हो करके मधुपान मत्तेव मधुमाने मदिरा, मदिरा के पान से मत्तेव पगलाई हुई परिस्खलति, मानो यह जो है मत्त हो करके परिस्खलति हो जाती है, दूर चली जाती है, बाहर निकल जाती है। महाराजाओं के भवनों में बड़े प्रयत्न से रखे जाने पर भी मानो अनेक प्रकार के गंधगजों के गंडस्थल के मध्य पीने से मानो पगलाई हुई यह जो है परिस्खलति चली जाती है। परमेश्वर गृहेश, राजाओं के घरों में देखिए मित्रों, ऊपर की पंक्ति में आया है कि अति प्रयत्न विध्रता अपि, अत्यधिक प्रयत्न पूर्वक राजाओं के घर में बांधे जाने पर भी, प्रयत्न पूर्वक रखे जाने पर भी विविध मानो अनेक, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, परिस्खलति मधुपान मत्तेव परिस्खलत, परिस्खलत देखिए यहां पर क्रियापद है और क्रियापद के पहले इव आया है, तो मित्रों यहां पर उत्प्रेक्षा है, संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद जब इव आता है या पहले आता है तो वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। तो मधुपान मत्तेव परिस्खलति, कहा यह कैसे स्खलित हो जाती है, मधुपान मत्तेव मद्य पीने से, और वह मद्य कहां से आया, विविध गंध गज गंड, विविध अनेक प्रकार के गंध गजों के गंड स्थल से उत्पन्न जो मद्य होता है, अनेक प्रकार के हाथियों के गंध से उत्पन्न जो उनके गंड स्थल से मधुमत्त होता है, मद्य होता है, ऐसे मदमैले जो हाथी होते हैं मित्रों उनके गंडस्थल से जो है मद निकला किया करता है, ऐसे जो है अनेक प्रकार के विविध गंध गज गंड, अनेक प्रकार के हाथियों के गंडस्थल से निकले हुए मधु का पान करके, मधुमाने मदिरा का पान करके, मधुपान मत्तेव, मधुपान से उस मदिरा के पान करने से मत्तेव पगलाई हुई वह जो है परिस्खलति नष्ट हो जाती है, चली जाती है, अर्थात दूसरे राजाओं के पास चली जाती है, उन राजाओं के पास नहीं रहती है, चाहे राजा जितने भी परिश्रम के द्वारा उस लक्ष्मी को क्यों ना बांधे। पारुष्यम इव उपशिक्षितासु असिधारासु, मानो कठोरता को सीखने के लिए यह असिधारासु निवसति, मानो पारुष्यम उपशिक्षितासु, पारुष्यम माने कठोरता को, पारुष्यम इव यहां पर मित्रों देखिए पारुष्यम इव है, मानो कठोरता को उपशिक्षिता, कठोरता को सीखने के लिए असिधारासु, असिधारासु तलवार की धाराओं पर निवसति निवास करती है। मानो यह लक्ष्मी मित्रों, सुखनाथ जी उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि मानो यह लक्ष्मी चाहे जितने भी परिश्रम से राजाओं के घर में जो है बांधी जाए, लेकिन यह मानो कठोरता को सीखने के लिए असिधारासु निवसति,
उपशिक्षितासु, पारस्यम उपशिक्षितासु, मानव कठोरता को सीखने के लिए यह असिधारासु तलवार की धाराओं पर निवसति माने निवास करती है। असिधारासु निवसति तलवार की धाराओं पर मानव कठोरता को सीखने के लिए निवास करती है। तथा मतलब इसके इतने स्वरूप हैं कि कोई भी इसकी पहचान नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि फला व्यक्ति के साथ रहने पर इस प्रकार से आचरण व्यवहार करेगी। मित्रों लक्ष्मी का यही गुण है। यह अथा इयम अनार्या, यह इतनी जो है दुष्ट है, पिशाचिनी है कि यह किसी को भी पहचानती नहीं है। और क्या करती है, विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, कहा जो है विश्वरूपता को धारण करने के लिए यह ग्रहीतुम ग्रहण करती है आश्रिता नारायण मूर्तिम, नारायण मूर्तिम आश्रिता, नारायण की मूर्ति का आश्रय लेती है, नारायण के शरीर का सहारा लेती है। क्योंकि विराट स्वरूप धारे विष्णु भगवान विराट स्वरूप धारण करने वाले हैं, पूरे ब्रह्मंडल में स्थित रहने वाले हैं। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत। क्योंकि विष्णु का स्वरूप मित्रों जल में भी विष्णु निवास करते हैं, स्थल में भी निवास करते हैं। विष्णु सर्वमयम जगत, यह संपूर्ण संसार जो है विष्णुमय है, विष्णु से पूरी सृष्टि जो है व्याप्त है। तो ऐसे विश्वरूपधारी भगवान विष्णु को मानो जो है यह विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम, मानो विश्वरूपता को धारण करने के लिए ग्रहीतुम ग्रहण करती है नारायण मूर्तिम आश्रिता नारायण की मूर्ति के आश्रय को, मानो जो है भगवान नारायण की मूर्ति का आश्रय ये किस लिए लिया करती है, विश्वरूपता के लिए, मानो अनेक प्रकार के रूपों को धारण करने के लिए यह जो है भगवान विष्णु का सहारा लिया करती है। कौन, इयम लक्ष्मी, यह लक्ष्मी मानो विश्वरूपता को धारण करने के लिए यह भगवान नारायण का सहारा लिया करती है। इस प्रकार से अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव, अप्रत्यय बहुला इव, कहा जो है यह लक्ष्मी क्या है, अत्यंत अत्यंत नीच स्वभाव वाली है। यह लक्ष्मी तो वास्तव में अत्यंत अति नीच स्वभाव वाली है, अप्रत्यय बहुला अत्यंत नीच स्वभाव वाली यह लक्ष्मी अत्यधिक अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास करना उचित नहीं। तो मित्रों देखिए, अब ये आपका जो गद्यखंड हो गया इसमें से हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा सातवां गद्यखंड हो गया। अब मित्रों अगला गद्यखंड जो है आपको अगले वीडियो के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद। अपने मित्रों को भी शेयर करिए और बताइए ETGT की क्लास शुरू हो गई है और इसके फीस और एडमिशन से संबंधित सूचना के लिए मित्रों आप इस नंबर पर संपर्क करें, और किसी भी प्रकार की कोई सूचना होती है तो तुरंत आप 8299931009 7, ये है मित्रों व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप जो है किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या है तो आप सूचित करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी बताएं। एडमिशन से संबंधित अगर कोई आवश्यक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद।